नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबर विस्तार से। श्री श्याम सेवा समिति भवानी मंडी के तत्वाधान में बैठक संपन्न हुई, जिसमें अध्यक्ष कालू मित्तल ने बताया कि भवानी मंडी के बीच श्री राम विहार कॉलोनी जयप्रा मिल में बाबा श्याम का भव्य मंदिर निर्माण किया जाएगा और जल्द से जल्द भव्य निशान यात्रा कर भूमि पूजन कर मंदिर निर्माण का काम चालू किया जाएगा। बैठक में श्री श्याम सेवा समिति संरक्षक विवेक जैन, उपाध्यक्ष राकेश दर्पण, सचिव विकास जैन, महेश खंडेलवाल, राजू टाटा, मोनुतेन गुरिया, सौरभ जायसवाल, पंकज शर्मा, राकेश सैनी, वैभव पालीवाल, अनुराग, महक जैन, सम्यक जैन, राजा महेश्वरी, तरंग गुप्ता, शुभम राठी, रवि शर्मा, सुरेश धाकड़, गोलू शर्मा, आदित्य जैन, अशोक गोट, लोकेश गुप्ता, रिंकू तेन गुरिया, सुनील पौरवाल, प्रशांत कोलानिया, हरीश मोटवानी, विपिन नामदेव, प्रवीण देवड़ा, पवन गुर्जर आदि सदस्य शामिल रहे। बाहर मंडी के न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में आम जनता के लिए कोल्ड ड्रिंक वितरित किया गया। भीषण गर्मी के चलते हॉस्पिटल संचालक ने बताया कि स्टेशन से चौराहे से लेकर पचपार रोड तक नवनिर्मित हॉस्पिटल संचालित हुआ है, जिसमें आम जनता को मरीजों को देखते हुए भीषण गर्मी में ठंडा कोल्ड ड्रिंक का वितरण किया। ऐसे में डॉक्टर पंकज सोनी ने भीषण गर्मी को देखते हुए आम राहगीरों को राहत दी। यह जानकारी हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर समीर खान द्वारा दी गई। डग में खरीफ फसल खराबे का मुआवजा और फसल बीमा राशि भुगतान को लेकर किसानों ने गांधीवादी सीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें जिला किसान मंत्री रामगोपाल व्यास, डग किसान नगर अध्यक्ष लियाकत खान सहित क्षेत्र के किसानों ने नायब तहसीलदार अजय पालीवाल को किसानों की समस्या के बारे में अवगत करवा कर ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि वर्ष 2022 में सोयाबीन खराब फसल का सरकार द्वारा सर्वे किया था, किंतु आज तक क्षेत्र के किसानों को मुआवजा राशि और बीमा राशि का भुगतान नहीं मिला। किसानों ने नाराजगी जताते हुए बीमा राशि और मुआवजा तुरंत प्रभाव से दिलाने की मांग की एवं गांधीवादी सीएम को अवगत करवाया कि आपने जो चुनावी घोषणा पत्र में वादे किए थे, सरकार बनते ही 10 दिन में हर किसान के 2 लाख बैंक कर्ज माफ किए जाएंगे, किंतु वादे आज तक पूरे नहीं हुए। 30 जून से पहले किसानों को बीमा मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ तो किसान आंदोलन के लिए मजबूर होगा। चौमेला में निर्जला एकादशी पर महिलाओं ने व्रत रखकर अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना की। राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी रमेश व्यास ने बताया कि निर्जला एकादशी पर भीषण गर्मी में भी व्रत रखने वाली महिलाएं दिन भर प्यासी रहकर इस व्रत को धारण करती है और शाम को इस व्रत को खोलती है। निर्जला एकादशी व्रत कर महिलाओं ने मंदिर में पूजन कर पानी से भरे कलश फल और वस्त्र दान किए। चौमेला विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर ब्रह्मा कुमारी आश्रम द्वारा बुधवार को ग्राम पंचायत परिसर में चित्र प्रदर्शनी लगाकर लोगों को जागरूक किया गया और तंबाकू सेवन नहीं करने की शपथ दिलाएगी। चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ सरपंच प्रतिनिधि अशोक भंडारी, ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी, अशोक कन्हैयालाल विश्वकर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी ने प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को जागरूक किया और अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि किसी भी चीज का नशा बुरा है, नशे से घर परिवार में अशांति का माहौल होता है। उन्होंने चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। झालावाड़ प्रदेश में PCPNDT अधिनियम के पालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य बुधवार को उपखंड समुचित प्राधिकारी जिला RCH अधिकारी डॉक्टर कुलवीर सिंह राजावत, जिला समन्वयक प्रभुलाल अग्रवाल द्वारा अकलेरा के 3 सोनोग्राफी सेंटर का निरीक्षण कर PCPNDT अधिनियम के सख्ती से पालना करने हेतु पाबंद किया गया। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर GM सैयद द्वारा बताया गया कि भ्रूण लिंग परीक्षण रोकने के कार्य में आमजन को भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से मुखबिर योजना की संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत भ्रूण लिंग परीक्षण की सत्य सूचना पर 3 लाख रुपए तक के प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। पिड़ावा थाना क्षेत्र के बोलियाबारी में कल मिली लाश की शिनाख्त भैरूखेड़ा थाना लाल घाटी जिला शाजापुर मध्य प्रदेश निवासी 17 वर्षीय अरविंद बंजारा के रूप में हुई। मृतक की हत्या के पीछे परिजनों ने अवैध संबंधों की आशंका जताई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपते हुए सरखेड़ी सरपंच ईश्वर सिंह की रिपोर्ट पर अज्ञात के खिलाफ धारा 302-201 में मामला दर्ज किया है। पिड़ावा पंचायत समिति ग्राम पंचायत गोविंदपुरा में बुधवार से 2 दिवसीय महंगाई राहत कैंप की शुरुआत हुई, जिसमें ग्रामीणों को राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही लाभार्थियों को गारंटी पंजीयन कार्ड वितरित किए गए। शिविर में BDO संजय पतिहार, नायब तहसीलदार जगदीश सिंह झाला, शिविर प्रभारी सत्येन जैन, कांग्रेस मंडल अध्यक्ष नेपाल सिंह, सरपंच किशन भाई, उप सरपंच अमर सिंह, सरपंच प्रतिनिधि शंकर सिंह, GSS अध्यक्ष भारत सिंह, पूर्व सरपंच ओका सिंह, दिलीप सिंह, जैला सिंह, सुपाल सिंह, श्याम सिंह आदि मौजूद रहे। सुनेल कस्बे सहित क्षेत्र में बुधवार को निर्जला एकादशी के अवसर पर मंदिरों में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजन हुए। कस्बे के खेड़ापति बालाजी मंदिर, लंकापति हनुमान मंदिर, मंगलेश्वर महादेव मंदिर, पिड़ावा मार्ग पर स्थित त्रिकैम्बस
महादेव मंदिर व प्राचीन ऐतिहासिक श्री राम मंदिर सहित अन्य मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का भगवान के दर्शनार्थ आने का सिलसिला जारी रहा। महिलाओं ने निराहार व्रत रखा और मंदिरों में जाकर दान पुण्य के कार्य किए। जरूरतमंद लोगों को उनके लिए चाही गई सामग्री उपलब्ध करवाई गई। सुनील क्षेत्र के राजकोट माध्यमिक विद्यालय हेमड़ा में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं कला वर्ग में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा सोनम नागर व 75% अंक से अधिक विद्यार्थियों को बुधवार को तिलक लगाकर माला पहनाकर स्वागत किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य मोहम्मद इसफाक ने बताया कि एक छात्र का अग्निवीर में परीक्षा में सफल होने पर माला पहनाकर मिठाई खिलाकर स्वागत किया। इस अवसर पर व्याख्या था तूफान सिंह नागर, अशोक कुमार राठौर, राजेश पाटीदार, विजय कुमार वर्मा, शोकत अली, भीमराज पाटीदार आदि उपस्थित रहे। सुनील कस्बे के पुलिस थाना परिसर व राज्य के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को विश्व तंबाकू निषेध के दिवस के अवसर पर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वाधान में नशा मुक्ति की शपथ दिलाकर गोष्ठी का आयोजन किया गया। प्रजापति ब्रह्म कुमारी सविता दीदी ने नशा मुक्ति के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य से लेकर तन मन धन सब खत्म कर देता है। अपना जीवन को सफल बनाना है तो भारत में फिर से स्वर्णिम भारत बनाएंगे, विश्व बना पाएंगे। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर मंदसौर शहर के गांधी चौराहे पर स्वास्थ्य विभाग और रेड क्रॉस परिवार द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करते हुए तंबाकू विश्व निषेध दिवस मनाया गया। सर्वप्रथम स्वास्थ्य विभाग द्वारा तंबाकू धूम्रपान से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूकता को लेकर रैली निकाली गई। रैली शहर के गांधी चौराहे पहुंची। यहां स्वास्थ्य विभाग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और रेड क्रॉस परिवार द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर नशे के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया और नशा न करने वाले का संकल्प भी दिलाया गया। बता दें कि प्रतिवर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। मंदसौर शहर के अलग अलग स्थानों से गंदा मड़बेला और बदबूदार पानी नलों से आने की शिकायत सामने आ रही है। हमने पहले भी शहर के अन्य क्षेत्रों की खबर आपको दिखाई, आज फिर तस्वीर शहर के वार्ड क्रमांक 19 क्षेत्र में से आई है। यहाँ भी रहवासियों ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से गंदा पानी मिल रहा है। पानी ऐसा है कि पीना तो ठीक, नहाना भी उचित नहीं है और बुधवार को काफ़ी हद तक गंदा पानी आया। जब गंदे पानी की शिकायत पर नगरपालिका अधिकारी CMO सुधीर सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इन दिनों नगरपालिका द्वारा मीडिया फिल्टर की सफाई की जा रही है और सफाई के दौरान जो धूल व पाइप लाइन के माध्यम से ही बाहर निकालना होता है, उसी कारण शहर के अलग अलग हिस्सों में गंदे पानी की शिकायत मिल रही है। मंदसौर कसीपुंज मंडी में अव्यवस्थाओं का आलम बरकरार है। आए दिन यहां हंगामा, किसानों का आक्रोश सामने आ रहा है। बुधवार को भी कसीपुंज मंडी में किसानों से मारपीट के मामले को लेकर जमकर प्रदर्शन हुआ। यहां मंडी कर्मचारी द्वारा किसान के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल बुधवार रात गेट से एंट्री के बाद को लेकर दो कर्मचारियों से एक किसान का विवाद हुआ। दोनों में बोलचाल के बाद नौपद मारपीट तक पहुंच गई, जिसके बाद किसानों का आरोप है कि कर्मचारियों ने उसके साथ मारपीट की है। इसके बाद किसानों का आक्रोश सातवें आसमान पर पहुंच गया है। किसानों गेट के बाहर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचोरी एंड मिस्टर भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरा लाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिस्टर भंडार, विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजेटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, बहानी मंडी।
कबीरा बैठा रोए। दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जे कोई। चुड़ के माता दाऊ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे रे। आ दूर दे चरा है मामला अब जाओ साहिब ने महल बनाई बन जारा रे बन जारा रे। हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जा रहा हूँ। छोड़ के मत जाओ एक नीरा बन जारा रे बन जारा रे।